खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन प्रीमियर लीग में कल रात मुंबई ने बेंगलोर को 5 विकेट से हराया। बेंगलोर का 172 का लक्ष्य छोटा पड़ा। टी20 लीग में विराट की टीम बेंगलोर की 8 मैचों में 7वीं हार। टूर्नामेंट से करीब करीब छुट्टी तय। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पर नाबाद 37 रन बनाए। वहीं बेंगलोर के खिलाफ जीकॉक ने 40 रनों की पारी खेली। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा फिर फेल। बेंगलोर के खिलाफ 28 रन बनाकर आउट। 7 मैच में 193 रन ही बनाए हैं। विराट कोहली मुंबई के खिलाफ 8 रन बनाकर आउट हुए। 8 मैच में अब तक 278 रन बना पाए हैं विराट। बेंगलोर के एबी डिविलियर्स और मोइन अली की पारियां गई बेकार। मुंबई के खिलाफ डिविलियर्स ने 75, वहीं मोइन अली ने 50 रन बनाए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान और पंजाब की टक्कर। रात 8 बजे से मोहाली में मुकाबला। 30 मई से इंग्लैंड में शुरू हो रहे विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 15 में से 7 खिलाड़ी पिछले विश्व कप में खेले थे। 12 साल बाद दिनेश कार्तिक विश्व कप की टीम में चुने गए। विजय शंकर को भी मौका। विश्व कप की टीम में हार्दिक पांड्या शामिल। कहा, खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। पहला विश्व कप खेलने को लेकर उत्साहित। विश्व कप की टीम में अंबाती रायडू और ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला। मुंबई में चुनी गई टीम। ऋषभ पंत पर बोले मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद। कहा, पंत का करियर लंबा है। अनुभवी खिलाड़ी को चुनने के चलते पंत को ड्रॉप किया। न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज कॉलिन मनरो ने की पंत की तारीफ। कहा, टी20 में पंत जैसे बल्लेबाजों की ही जरूरत। टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड जाएंगे नवदीप सैनी, खलील अहमद और प्रसिद्ध कृष्णा। टीम को नेट्स पर करेंगे बॉलिंग। हैदराबाद के लिए खेल रहे शाकिब अल हसन को बांग्लादेश ने वापस बुलाया। विश्व कप की तैयारियों के चलते फैसला। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ इंडियन प्रीमियर लीग के आखिरी मैचों में रह सकते हैं गैर मौजूद। विश्व कप के चलते लौट सकते हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में लोहा व्यापारी पर फायरिंग कर बदमाश ने ली जान। आरोपी ने व्यापारी के ड्राइवर पर भी गोली चलाकर घायल किया। दिल्ली में चलती कार में टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाते समय चली गोली, युवक की मौत, 3 दोस्त गिरफ्तार। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में चल रहे एक शादी समारोह के पंडाल में लगी आग। दमकल की 22 गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर पाया काबू। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जी रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में सीएनजी ऑटो में धमाके से पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, 2 की मौत, 5 घायल। नोएडा के सेक्टर 70 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शिवराम यादव के घर पर 2 बाइक सवारों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नोएडा में महिलाओं से फर्जी शादी के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक निजी स्कूल में लूट के इरादे से आए थे 1 सिपाही जख्मी। मेरठ में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। दोस्त की शादी में दिल्ली से मेरठ गया था युवक। यूपी के प्रयागराज में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन जलकर खाक। वैन सवारों ने कूद कर बचाई जान। यूपी के कुशीनगर में कैश वैन लूट को अंजाम देने के फिराक में रेकी करने आया इनामी बदमाश गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में जेडीयू कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े लूट की घटना से हड़कंप, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर फरार बदमाश। महाराष्ट्र के बुलढाणा में ट्रक और स्कॉर्पियो कार की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रामनवमी की बाइक रैली के दौरान पुलिस से भिड़े लोग, हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मांगुली जेना की गोली मारकर हत्या, राजनीतिक रंजिश में हत्या का शक। असम के चिरांग इलाके में चेकिंग के दौरान ट्रक से नशे की खेप बरामद, आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना में जमीन विवाद में एक शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला, आरोपी फरार। हैदराबाद के रचाकोंडा में तेंदुओं की खाल के साथ पशु तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का टाइम रात 10 बजे तक बढ़ाने के लिए लड़कियों ने कुलपति के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गर्मी की मार से परेशान लोग घरों में कैद हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिले की तारीख 18 अप्रैल तक बढ़ी, सर्वर स्लो होने की वजह से फैसला।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में राफेल नाम के एक गांव में पहुंचा एबीपी न्यूज। लोगों ने बताया कुलदेवी जय मां बूढ़ी राफेलियन के नाम पर पड़ा है गांव का नाम। एमपी के सत्ता में 2 लाख से कम कर्ज वाले किसानों को जारी हुआ बैंक का नोटिस। कमलनाथ सरकार ने किया था कर्ज माफी का वादा। चुनाव आयोग के आजम खान पर कार्रवाई। जयाप्रदा पर विवादित बयान पर एक्शन लेते हुए 72 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। आजम खान पर रामपुर में अफसरों पर विवादित बयान देने पर भी केस दर्ज। अफसरों से जूते साफ करवाने की बात कही थी। जयाप्रदा पर आजम खान के बयान का अखिलेश यादव ने बचाव किया। कहा आजम ने किसी और के बारे में कहा था कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहनकर रहते हैं। बीजेपी नेता जयाप्रदा ने आजम खान को मानसिक तौर पर बीमार बताया। कहा प्रियंका गांधी, जया बच्चन और मायावती जैसी महिला नेताओं ने समर्थन नहीं किया। यूपी के बलिया में विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। कहा बहन बेटियों को पत्नी के तौर पर देखना मुस्लिमों की संस्कृति, आजम की भी यही संस्कृति है। बीजेपी की सुल्तानपुर से उम्मीदवार मेनका गांधी की रैली और इंटरव्यू पर आज सुबह 10 बजे से लेकर अगले 48 घंटों के लिए चुनाव आयोग ने बैन लगाया। मेनका गांधी पर सुल्तानपुर में रैली के दौरान मुस्लिमों के को वोट ना देने पर धमकाने का आरोप लगा है, जिसके बाद कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मेनका पर बैन लगाया। बीएसपी प्रमुख मायावती पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। चुनाव आयोग के बैन पर बिफरी मायावती। कहा मुझे मेरे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। चुनाव आयोग के बैन के बाद मायावती की गुजरात में होने वाली रैली को रद्द किया गया। योगी आदित्यनाथ के लिए बलि और बजरंग बलि पर दिए बयान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 72 घंटे तक नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से बीजेपी नाखुश। कहा फैसला बेहद कठिन, दोबारा विचार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के 3 दिन के बैन के दौरान सीएम योगी यूपी के अलग अलग हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का आरोप, बीजेपी और पीएम मोदी के आदेश पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। मोदी पर जाति वाले हमले के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की। राहुल और कांग्रेस पर कड़े एक्शन की मांग की। मुलायम सिंह यादव को हाईकोर्ट से झटका। आईपीएस अमिताभ ठाकुर को धमकाने के मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा। यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी की तस्वीर वाली रेलवे टिकट बांटे जाने पर चुनाव आयोग सख्त, 2 रेलवे कर्मचारी निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राफेल पर हमारे फैसले को तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी ने राजनीतिक इस्तेमाल क्यों किया, 1 हफ्ते में जवाब दें। मनोहर पर्रिकर पर शरद पवार के बयान से नाराज बेटे उत्पल पर्रिकर का पवार को पत्र। शरद पवार बड़े नेता हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। शरद पवार ने दावा किया था कि राफेल डील में भ्रष्टाचार से परेशान होकर मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मनोहर पर्रिकर पर बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विनोद तावड़े का पलटवार। कहा निधन के बाद पर्रिकर के बारे में टिप्पणी गलत। करतारपुर कॉरिडोर के तकनीकी पहलुओं पर बातचीत के लिए आज मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के अधिकारी। आपसे गठबंधन पर बोले राहुल गांधी। कहा दिल्ली में 4 सीट देने को तैयार, लेकिन केजरीवाल ने फिर लिया यू टर्न। केजरीवाल बोले राहुल की गठबंधन की कोई इच्छा नहीं, बस दिखावा है। दिल्ली के बाहर राज्यों में बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं साथ आते। आपसे गठबंधन पर दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको का बयान। कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन के खिलाफ नहीं, लेकिन दिल्ली और दूसरे राज्यों के समीकरण अलग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बयान, राज्य इकाई के विरोध के बावजूद गठबंधन का प्रयास किया, अब गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है। कांग्रेस से गठबंधन पर आप नेता संजय सिंह का बयान, पूरे देश ने देख लिया कि यूटर्न किसने लिया, राहुल गांधी पता नहीं किस जिद पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का निशाना। केजरीवाल कहा केजरीवाल को कांग्रेस ने पैदा किया, दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले अभी राजनीति में आने का इरादा नहीं, जब लोग चाहेंगे तो पूरी ताकत के साथ आऊंगा। दिल्ली के बदरपुर में कचरे के ढेर में मिले सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड, आपका आरोप बीजेपी को जिताने के लिए फेंके जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीत के लिए आरएसएस की मदद ले रही है। पीएम मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर और संबलपुर में करेंगे चुनावी रैलियां, भुवनेश्वर में रोड शो भी करेंगे पीएम।
प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ में भी करेंगे चुनावी बिगुल तेज। राज्य के कोरबा और बलौदा बाजार लोकसभा क्षेत्र में करेंगे चुनावी रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार के लिए आज जाएंगे केरल, कोल्लम, पतनमिट्टा, कोट्टायम और अलपुझा में करेंगे चुनावी रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दक्षिण भारत में प्रचार आज, कर्नाटक और केरल में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के लिए भरेंगे पर्चा, नामांकन से पहले रोड शो होगा। यूपी के आगरा में आज महागठबंधन की संयुक्त रैली, अखिलेश और अजीत सिंह एक मंच पर होंगे। चुनाव आयोग के बैन की वजह से रैली में हिस्सा नहीं ले पाएंगी मायावती।